लेंथेनाइड संकुचन आपने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। लेंथेनाइड संकुचन में आपने इस बात को पढ़ा था कि जब लेंथेनाइड श्रेणी में आप बाएं से दाएं चलते हो तो उस दौरान आप यह पाते हो कि लगातार नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है, और लगातार नाभिकीय आकर्षण बल के बढ़ने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं को तेजी से अपनी ओर खींचता है, जिससे लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणुओं में जो होता है आकार में कमी आने लगती है, और लेंथेनाइड श्रेणी में तत्वों के परमाणु के आकार में कमी आने को ही आप कहते थे लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड आकुचन भी कहते हैं और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसी को कहते हैं। लेकिन जब भी हम कभी लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चले और परमाणुओं का आकार घटा, तो परमाणुओं के आकार के घटने पर उन परमाणुओं के बहुत सारे गुण भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि किसी पदार्थ के बहुत सारे गुण इस बात पर डिपेंड करते हैं कि पदार्थ का या परमाणु का आकार क्या है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं केवल उन गुणों को पढ़ूंगा जो लेंथेनाइड संकुचन के कारण अर्थात परमाणु के आकार के घट जाने के कारण जो गुण प्रभावित हुए हैं। तो इसलिए मैंने हेडिंग भी वहां रखी है, लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम, अर्थात लेंथेनाइड संकुचन जब हुआ तो उसके क्या रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए, क्या क्या परिणाम मिलने स्टार्ट हुए। तो परिणाम में मेरे पास लिखा है ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का स्थायित्व। भैया ये वाली लाइन हम पढ़ें उसके भी पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, देखो समझना इस बात को। क्या कह रहा था कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। तो मैं देखो सबसे पहले क्या करता हूं, बता देता हूं कि लेंथेनाइड का ऑक्साइड होगा या लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड होगा उसके स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो लेंथेनाइड श्रेणी का जो पहला सदस्य होगा इसका आकार तो होगा बड़ा, फिर धीरे धीरे बाएं से दाएं चलने पर श्रेणी के तत्व का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। यही घटना तो लेंथेनाइड संकुचन थी। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि लेंथेनाइड का यह तत्व ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़ा है और लेंथेनाइड श्रेणी का यह भी तत्व कौन से परमाणु के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन। यह लेंथेनाइड तत्व है, यह लेंथेनाइड तत्व है, यह साइड में जुड़ा हुआ परमाणु दोनों के साथ ऑक्सीजन है, इसलिए यह है लेंथेनाइड का ऑक्साइड, यह भी है लेंथेनाइड का ऑक्साइड। लेकिन मुझे पता करना है कि बाएं से दाएं चलने पर लेंथेनाइड के ऑक्साइड का स्थायित्व तो किस प्रकार से बदलता है। तो ध्यान देना इस बात को बेटा, यहां लेंथेनाइड परमाणु का आकार बड़ा है तो दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी कैसी है, ज्यादा। अर्थात जब दोनों परमाणु एक दूसरे के साथ आबंध बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उस बॉन्ड की लंबाई होगी ज्यादा। अच्छा अब इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, उधर चलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बाएं से दाएं चलने पर लेंथेनाइड के परमाणु का आकार हो गया छोटा, तो लेंथेनाइड के द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा बनाया गया बॉन्ड कैसा हो गया, छोटा। अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर किन्हीं दो परमाणुओं के बीच बने आबंध की लंबाई ज्यादा है तो उनके बीच आकर्षण बल होता है बहुत ही कम। अगर दो परमाणुओं के बीच बने आबंध की लंबाई है कम तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है बहुत ही ज्यादा। अब सोचने वाली बात है, यहां पर ये परमाणु एक दूसरे को कम आकर्षित करेंगे, बॉन्ड बड़ा है आकर्षण कम हो जाएगा। अगर कम आकर्षित करेंगे तो हम इस बॉन्ड को आसानी से तोड़कर लेंथेनाइड को अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। इस तरह से इस लेंथेनाइड तत्व के ऑक्साइड का स्थायित्व तो समाप्त हो जाएगा। परंतु लेंथेनाइड और ऑक्सीजन में यहां अगर देखा जाए बॉन्ड छोटा है और छोटे बॉन्ड को तोड़ने के लिए यह आसानी से एक तो टूटेगा नहीं, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा। अगर यह बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो इसका स्थायित्व भी उतना ही कैसा हो जाएगा, अधिक। भाई मैं तो कहता हूं एक बॉन्ड ऐसा बन जाए लेंथेनाइड ऑक्सीजन के बीच में कभी ना टूटे तो यह हमेशा के लिए स्थायी रहने वाला यौगिक है। लेकिन अगर कभी दो पदार्थों के बीच का बॉन्ड जल्दी से टूट जाता उसका स्थायित्व उतना ही कम है, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता उसका स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा है। तो मैं क्या सोचता हूं, बस आप बहुत सारी चीजों को रटने से अच्छा है, डायरेक्टली भी रटे जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूं आप इसके रीजन भी तैयार रखें कि बाएं से दाएं चलने पर लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु का आकार घटता है
और परमाणु का आकार घटने से उनके और ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड की लंबाई भी घट जाती है। और मैं तो कहता हूं जितने छोटे बॉन्ड बनेंगे, लंबाई में जितने छोटे होंगे बॉन्ड, उसका स्थायित्व तो उतना ही अधिक होगा, अर्थात वो बॉन्ड जल्दी से एक दूसरे को अलग होने नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का अर्थ क्या होता है? परमाणुओं को एक दूसरे से अलग ना होने देना। अगर परमाणु आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते, इसका मतलब बॉन्ड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, स्थायी था ही नहीं, क्योंकि यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, यह परमाणुओं को अलग नहीं होने देगा। हम ऐसा यौगिक क्या बताएंगे? स्थायी है। तो बाएं से दाएं चलने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का स्थायित्व तो क्या होना चाहिए? घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मैंने वही बात लिखी है, लैंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर लैंथेनाइट तत्वों के, चाहे वो ऑक्साइड हो और चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो, जो नेचर ऑक्साइड में लागू होगा वही हाइड्रोक्साइड में, वही क्लोराइड में, वही ब्रोमाइड में, सारे प्रकार के कंपाउंड में वही नेचर लागू होने वाला है। तो कहता है हाइड्रोक्साइड का भी स्थायित्व तो लगातार क्या होता है? बढ़ता है। अगर आप बहुत अच्छा बताना चाहते हैं तो इसने बात बता सकते हो, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर लैंथेनाइड और ऑक्साइड के परमाणु के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा हो जाता है? छोटा। और छोटे बॉन्ड हमेशा मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो छोटे ही आकार में होते हैं, जो वीक बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा लंबा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का क्षारीय लक्षण। अब मैं इस नंबर को पढ़ूं उससे भी पहले मैं देखो एक बात बताना चाहता हूं, समझो। मेरे पास लैंथेनाइड तत्व है, देखो एक ये लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड है, लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड, मेरे पास एक और लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड है। मैं लगभग सारे नंबर जो है वो रीजन के पर बेस्ड ही लगभग बताऊंगा। हाँ, जिन नंबर का रीजन मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा अंदर जाएगा इसको पढ़ाने के चक्कर में, तो भैया हम घंटों लगा देंगे, तो फिर उस नंबर को छोड़ देंगे, बाकी सारे नंबर लगभग पूरे के पूरे पड़ जाएंगे। अच्छा यार ये बताओ, ये लैंथेनाइड श्रेणी के शुरुआत का सदस्य है और यहां लैंथेनाइड श्रेणी के बाद का सदस्य है, तो इसका आकार लैंथेनाइड का कैसा होगा? बड़ा। और बाद वाले का आकार कैसा होगा? छोटा। अच्छा यार ये बताओ, लैंथेनाइड और हाइड्रोक्साइड के जो बीच बना होगा बॉन्ड, यहां पर कैसा होगा? बड़ा। और यहां पर बॉन्ड कैसा होगा? छोटा। बस इतनी बात बताना, हम जिस कंपाउंड को ए नाम दे रहे हैं उसमें लैंथेनाइड और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड बड़ा है, जिस कंपाउंड को हम बी नाम दे रहे हैं वहां लैंथेनाइड और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड छोटा है। कौन सा लैंथेनाइड अपने OH आयन को अलग नहीं होने देगा जल्दी से, ए वाला कि बी वाला? नहीं अलग होने देगा। और जब तक बी वाला OH आयनों को अलग नहीं होने देगा बेटा, बी वाला कंपाउंड क्षारीय नेचर को भी दिखाएगा नहीं। सुनो, हम पूछते हैं NaOH क्या इस अवस्था में क्षारीय प्रवृत्ति को दिखाता है? बिल्कुल नहीं। NaOH को तब क्षारीय कहते हैं जब बेटा Na अलग हो जाता है टूटकर और OH माइनस अलग। यार ये बात तो तुम लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है पहले से भी पता है, तो ये क्षारीय नेचर तब तक नहीं दिखाएगा जब तक वो OH को आयन के रूप में तोड़ ना दे। अब जब भी जितना OH आयन प्रोड्यूस होगा उसकी क्षारीय नेचर उतनी ज्यादा होगी। और आप तो कह रहे हैं यहां लैंथेनाइड और OH के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। हमने पूछा क्यों नहीं टूटेगा, बताया बॉन्ड छोटा है। हमने कहा बॉन्ड क्यों छोटा है? क्योंकि लैंथेनाइड का आकार छोटा था तो बॉन्ड भी उसने छोटे बनाए। तो यहां पर लैंथेनाइड के साथ उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन आसानी से आयन के रूप में नहीं टूटेगा, लेकिन यहां तो परमाणु का आकार बड़ा था तो ये आसानी से आयनों के रूप में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और मैं तो कहता हूं जो पदार्थ जितनी जल्दी से आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करा देता है वो उतना ही अच्छा क्षार है। एक अच्छे क्षार की निशानी शीघ्रता से तुरंत जरा ही देर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते रहे, प्रोवाइड करवाते रहे। और एक अच्छे अम्ल की पहचान क्या है? वो शीघ्रता से हाइड्रोजन आयन बनाता रहे। तो क्योंकि ये अपने हाइड्रोक्साइड को शीघ्रता से तोड़ देगा, अच्छा क्षारी है और इसकी क्षारीयता अपेक्षाकृत कैसी है? कम। तो जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैंने क्या लिखा है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के ऑक्साइड या फिर उनके हाइड्रोक्साइड के क्षारीय लक्षण क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर उनके हाइड्रोक्साइड आयनों को तोड़ने की क्षमता कम हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, तो क्या वो दोनों नंबर समझ में आ रहे हैं? ठीक। अब ये वाली बात मत पूछना अभी, क्योंकि अभी आएगा नंबर कि सर जी लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड क्या LnOH का होल थ्राइज होता है? 2H नहीं होता।
तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या है अभी हम लोगों को छारी नेचर पढ़ना था, मैं उस पर बात करूंगा। अभी ये भी बताते हैं कि ऐसे होल थ्राइज ही क्यों लिखा गया, उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है हाँ इस पर हेडिंग नहीं बनी है लेकिन पूरा नंबर याद कर रखेंगे। कहता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को आप लिखते थे 4D सीरीज, नहीं याद है पुराने पन्ने पलटना वहां पर मिल जाएगा। तृतीय संक्रमण श्रेणी को आप कहते थे 5D श्रेणी। कहता है 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं के आकार लगभग लैंथेनाइड तत्वों के परमाणुओं के आकार के बराबर होते हैं। वैसे तो मैं मानता हूं कि अंतः संक्रमण तत्वों या लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु के आकार बड़े होने चाहिए थे, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या हुआ, लैंथेनाइड संकुचन हुआ जिससे परमाणुओं का आकार क्या हुआ, घटा, और इतना घट गया परमाणुओं का आकार कि उनका आकार 4D सीरीज अर्थात द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 5D सीरीज अर्थात तृतीय संक्रमण श्रेणी के आकार तत्वों के आकार के बराबर हो गया। तो यह क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से आता है, कहता है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का आकार संक्रमण श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी से मिलते हैं। तो बस आपको इतना बताना होता है कि 4D श्रेणी से और 5D, या आप ये नहीं लिखना चाहते तो क्या लिख दोगे, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। हालांकि इसमें से कोई ज्यादा अच्छा नंबर नहीं है जिसको आपके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई लेकर आए, बस आपको इतना याद रखना है लैंथेनाइड तत्वों के जो परमाणुओं के आकार हैं वो 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के आकार तत्वों के आकार के लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, इनका पृथक्करण, ये थोड़ा सा बात समझने लायक है। रसायन विज्ञान में अगर कभी कोई दो पदार्थ आपके पास हैं, ए और बी, मैंने मान लिया एक पदार्थ मेरे पास ए है दूसरा पदार्थ बी है, इनके सारे गुण एक दूसरे के समान हैं, अगर सारे गुण एक दूसरे के समान हैं और इन पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने के पश्चात हम इन दो पदार्थों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते हैं। कहता है सर जी अलग क्यों नहीं कर पाते हैं? सोचो मैं थोड़ा सा बात बताता हूं, अगर दोनों पदार्थ वायु से अभिक्रिया करके जल जाते हैं तो दोनों पदार्थों के मिश्रण को जब भी वायु से अभिक्रिया कराओगे पहला पदार्थ जलेगा तो दूसरा भी जल जाएगा, क्योंकि गुण सेम थे इसलिए सेम हो गया। हम कहते हैं हम पानी पर घोल देंगे, अगर पहला पदार्थ पानी पर घुलेगा दूसरा भी घुल जाएगा, अर्थात अलग फिर भी नहीं कर पाए, अलग कर पाते। जब एक जलता और एक न जलता तो एक को जला देते दूसरा पदार्थ बच जाता शेष, अलग हो गए दोनों पदार्थ। एक पानी पर घुल रहा होता दूसरा पानी पर ना घुलता तो हम जैसे ही उस दोनों के मिश्रण को पानी पर डालते एक पदार्थ घुल जाता और दूसरा ना घुलता, ना घुलने वाले को छान कर अलग कर लेते। लेकिन क्योंकि दोनों पदार्थों के गुण अगर सिमिलर हैं सेम है, ऐसे पदार्थों को एक दूसरे से अलग करना उतना ही कठिन है। कहते हैं कितना कठिन है, जितना दोनों में समानताएं हैं, समानता ज्यादा से ज्यादा पदार्थों को अलग करने में कठिनाई ज्यादा से ज्यादा होती है। तो लैंथेनाइड तत्वों में एक विशेषता होती है कि लैंथेनाइड तत्वों के तकरीबन गुणधर्म जो होते हैं, तकरीबन लगभग ज्यादातर गुणधर्म जो होते हैं आपस में समान होते हैं। टोटल वे 14 एलिमेंट जो लैंथेनाइड श्रेणी में रखे हैं सीरियम से लेकर वहां ल्यूटीशियम तक, उन सभी के लगभग गुणधर्म आपस में बराबर होते हैं। इसलिए अगर लैंथेनाइड तत्वों का मिश्रण दे दिया जाए आपको जिसमें दो लैंथेनाइड तत्व हैं, तीन हैं या चार लैंथेनाइड तत्व हैं, आप उनको आसानी से अलग नहीं कर सकते। अलग कब कर सकते हैं या अलग किस गुण के कारण किया जा सकता है? तो अलग हम इन तत्वों को तब कर पाएंगे जब इनमें लैंथेनाइड संकुचन के गुण को देखा जाएगा। क्या होता है, जैसे 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 लैंथेनाइड संकुचन बढ़ता है पदार्थ एक दूसरे से अलग होना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे जैसे परमाणु का आकार घटता है या लैंथेनाइड संकुचन बढ़ता है। बताओ बेटा ये क्या जल पर ज्यादा घुल पा रहा था, हाइड्रोजन आयन दे पा रहा था? नहीं। तो इसकी जल में घुलनशीलता उतनी ही कैसी है, कम, और इनकी जल में घुलनशीलता उतनी ही ज्यादा है। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण कुछ पदार्थ घुलते हैं ज्यादा और कुछ पदार्थ घुलते हैं कम, तो उनकी घुलनशीलता पर डिफरेंस लाकर हम पदार्थों को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अलग। पूछता भी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के मिश्रण से आप इन तत्वों को अलग कैसे कर सकते हो, उसका आंसर देखो यहां लिखा है। लैंथेनाइड तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं, आता है इनको एक दूसरे से अलग करना कैसा है, कठिन होता है, परंतु लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनकी विलेयता अलग अलग होती है।
अर्थात किसी तत्व की विलेयता है अधिक तो किसी तत्व की विलेयता है कम। मैं बस इतनी बात पूछ रहा, जो बड़े बॉन्ड बनाएगा उसकी विलेयता कैसी होगी, कम की ज्यादा? ज्यादा, जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, घुल जाएगा। और जो छोटे बॉन्ड बनाकर तैयार करेगा उसकी घुलनशीलता कैसी होगी, कम। सही है, विलेयता अलग अलग हो जाती है जिससे इन्हें एक दूसरे से क्या किया जा सकता है, अलग। तो विलेयता के बेसिस पर आप लेंथेनाइट तत्वों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। एक और नंबर लिखा है भौतिक अवस्था, इस पर तो कोई खास रीजन अप्लाई नहीं होंगे, जो रीजन अप्लाई होंगे वो मैं बताऊंगा। कहता है लेंथेनाइट जो तत्व होते हैं वो चांदी के जैसे चमकदार होते हैं, कहता है मुलायम होते हैं। तो चांदी के मुलायम का मतलब बिल्कुल मुलायम नहीं होते, लेकिन काफी हद तक मुलायम होते हैं। आप आसानी से इनको मोड़ सकते हो, आसानी से इनको चाकू से काट सकते हो, ऐसे मुलायम होते हैं। कहता है वायु में रखने पर बदरंग हो जाते हैं। वायु में रखने पर बदरंग का मतलब जानते हो, ये तुरंत ही वायु से क्रिया कर लेते हैं, इनकी वायु के प्रति क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो जैसे इनको हवा में खुला छोड़ोगे, ये वायु से विक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अर्थात ऑक्सीकृत हो जाएंगे, इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और ऑक्सीकरण होते ही इनका रंग क्या हो जाएगा, या तो फीका पड़ जाए, कुछ तत्वों का रंग फीका पड़ता है और कुछ तत्वों का ऑक्सीकरण के कारण रंग चेंज भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों लिखे यहीं कहीं पर शायद मेरे ख्याल से। हाँ, बदरंग भी हो जाता है, बदरंग का मतलब रंग कैसा हो जाता है, फीका पड़ जाता है। और बहुरंगी, या वो अपने कलर को भी क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। बहुरंगी क्यों कहा गया, ऊपर की लेयर का कलर दूसरा, अंदर से काट के देखोगे अंदर का कलर दूसरा, तो बहुरंगी इसलिए भी कह दिया गया। इनका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। वैसे भी एक नॉर्मल सी बात है, साधारण रूप से जब तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ जाए तो ये मान के चलो कि उनके जो गलनांक होंगे वो अपेक्षाकृत ज्यादा होंगे। भाई परमाणु क्रमांक ज्यादा होने का मतलब ये भी हो जाता है, परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो आकार भी ज्यादा ही होगा, और जिस परमाणु का आकार जितना ज्यादा उस पर लगने वाले वांडरवाल्स फोर्स भी उतने ही अधिक होते हैं। और बेटा गलनांक वगैरह तो वांडरवाल्स फोर्स पर ही डिपेंड करता है, मेटैलिक फोर्स पर ही डिपेंड करता है। हम तो कहते हैं इतना बड़ा परमाणु देगा, कम मेटैलिक फोर्स या वांडरवाल्स फोर्स बनाएगा, और जस्ट उसके बगल में इतना बड़ा परमाणु दे देगा, मेटैलिक फोर्स या वांडरवाल्स फोर्स भी उसमें उतने ही ज्यादा होंगे, गलनांक ज्यादा और गलनांक कम। अभी आगे चलते हैं। कहता है घनत्व या डेंसिटी, इसको मैं पढ़ देता हूं फिर मैं बताता हूं, शायद आप कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे इसको पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे घनत्व। वैसे घनत्व निकालने का फिजिक्स में कोई सूत्र है? रुक जाओ, इसको हटाते हैं, इसको हटा दो, इस जगह कोई जरूरत भी नहीं थी इसकी। हाँ, इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। एक घनत्व का आप लोग सूत्र बता रहे हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये बिल्कुल सही है। घनत्व का फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और ऐसा भी जानते हो, मैं द्रव्यमान को थोड़ी देर के लिए फिक्स कर रहा हूं, मेरे द्रव्यमान से ज्यादा मतलब नहीं है, हम मेनली बात करने वाले हैं किस पर, आयतन पर। अच्छा ये बताओ, ये लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से जब दाएं चलते थे परमाणुओं का आकार कैसा होता था, घटता था? बेटा अगर आकार कम होगा तो आयतन भी तो कम होगा। भाई जब भी किसी पदार्थ का आकार ज्यादा है उसका आयतन भी ज्यादा है, आकार कम है आयतन भी कम है। आकार कहीं ना कहीं आयतन को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर थ्री डायमेंशनल फिगर दिया गया है, अगर टू डायमेंशनल दिया गया है तो आकार किसको रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रफल को। अगर सिंगल डायमेंशन पे दिया गया है तो आकार किसको रिप्रेजेंट करता है, लंबाई को। तो अगर ये थ्री डायमेंशनल होता ही एटम, अर्थात इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, तो इसका आकार किसको रिप्रेजेंट करता है, आयतन को। बस इतनी बात बताना, बाएं से दाएं चलने पर आकार घट रहा है इसका मतलब आयतन घटेगा। अगर आयतन घटेगा तो घनत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने वही बात लिखा है, इनका परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु क्रमांक कब बढ़ता है, जब आप बाएं से दाएं चलते हो, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर या लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर इनका घनत्व क्रमशः बढ़ जाता है। तो घनत्व वाली बात तो मैं समझ गया। लास्ट में एक और बात जो थोड़ी सी है उसको कर लेते हैं, यहीं पर खत्म कर लेते हैं। कहता है कठोरता भी बढ़ जाती है। लेंथेनाइट श्रेणी वाले तत्व तो बिल्कुल मुलायम थे, मैंने बताया ना, आसानी से इनको पकड़ लो, लेंथेनाइट श्रेणी के तार को मोड़ दो, चाकू है उसी से काट दो। लेकिन हां, अगर आप बाएं से दाएं चलोगे तो कठोरता थोड़ी सी बढ़ेगी,
अर्थात लैंथेनम बिल्कुल मुलायम होगा तो ल्यूटिशियम थोड़ा सा कठोर होगा, होगा वो भी मुलायम, लेकिन लैंथेनम की अपेक्षा सॉरी सीरियम की अपेक्षा लैंथेनम की अपेक्षा कैसा होगा, कठोर होगा वो। तो एक काम करेंगे इनको नोट करेंगे, बाकी जो गुण है उनको भी पढ़ लेते हैं। फिर आ जानते हैं और लैंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को पढ़ते हैं। वैसे ऑक्सीकरण संख्या में एक बात तो पहले से मुझे थोड़ा सा अंदाजा था कि लैंथेनाइड तत्व हो या एक्टिनाइड तत्व, दोनों तत्वों को भैया लिया तो छठवें और सातवें आवर्त से है, लेकिन दोनों की वर्ग संख्या तीन थी। वर्ग संख्या तीन के कारण देखो मैं क्या कहता हूं, जिसकी वर्ग संख्या तीन है या जिनकी वर्ग संख्या तेरह है, इन दोनों ही तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या प्लस तीन होती है, चाहे वर्ग तीन कहे या वर्ग तेरह कहे। जानते हो पुरानी वाली आवर्त सारणी तो वर्ग तेरह को भी वर्ग थर्ड ही कहा जाता था, तीन ही कहते थे, थर्ड ए और थर्ड बी के नाम से होता था। तो क्योंकि इन सभी तत्वों की लैंथेनाइड तत्वों की वर्ग संख्या तीन है, इसलिए सभी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या प्लस तीन दिखाते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या प्लस तीन लिखते हैं, फिर और भी बातें जो है उसको बताते हैं। क्या लिखते हैं, इनकी वर्ग संख्या तीन होती है, इनकी वर्ग संख्या तीन होती है, अतः लैंथेनाइड तत्वों अतः लैंथेनाइड तत्वों की प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या। बेटा देखो कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है ऑक्सीकरण संख्या ना लिखकर ऑक्सीकरण अवस्था लिख देता है, तो बात एक ही है, संख्या को ही ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। तो मैं क्या करता हूं इस जगह पे लिखे भी देता हूं, संख्या नहीं कहेगा तो क्या बोल देगा, अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, एक ही बात है। इनकी प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था कितनी होती है, प्लस तीन। अच्छा प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये है धातुएं और धातुएं इलेक्ट्रॉन का करती हैं त्याग, और त्याग के कारण ऑक्सीकरण संख्या को पॉजिटिव ही दिखाना चाहिए। हाँ नॉन मेटल में ऐसा जरूर होता है कि नॉन मेटल में जो होए वो नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस भी होती है, यह ना कह देना कि माइनस ही होती है, माइनस भी होती है, प्लस भी हो सकती है। हाँ जो पता लगा कह के चले, और सरदी ने हमारे कहा था अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा माइनस होती है, हमेशा नहीं माइनस भी हो सकती है, बाकी प्लस भी रहती है। हाँ एक और चीज देखो इस पर देखेंगे, कभी कभी होता क्या है लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व F पर जीरो इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व F पर सात इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, या लैंथेनाइड श्रेणी पर जो तत्व है वो एफ पर चौदह इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। जीरो सात चौदह से एक बात मेरे समझ में आ रही, जीरो भी स्थाई होता था, सात भी स्थाई होता था और चौदह भी स्थाई होता था। और ऐसे एक बात और यार मेरे दिमाग में आ रही, जीरो सात चौदह बनाने के लिए जो एफ होता है ये अपने बाहर वाली क्लास से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। याद आ रहा है संक्रमण श्रेणियों में ऐसा ही होता था, बाहर वाला एस जो है अंदर वाले डी को इलेक्ट्रॉन देता था, ये भी यही करता है। और जब ये अपने स्थायित्व को बनाने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉनों को मंगा लेता है, ग्रहण कर लेता है, अपने पास रख लेता है, जैसे बाई चांस मैं क्या सोचता हूं इलेक्ट्रॉन थे बाहरी इसमें एफ में छह, लेकिन ये स्थायी कितने पर होता है, सौ ए सात पर, या तो सिक्स डी से या तो सेवन एफ से, अपने से बाहर डी अपने से बाहर एस वाले कोश से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। और इस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉनों को स्वयं ग्रहण कर लेता है ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव आता है, और क्या बदलाव आता है कि एफ जीरो एफ सेवन और एफ फोर्टीन पर लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण संख्या प्लस दो व प्लस चार
होती है। तो मतलब मुख्य आक्सीकरण संख्या तो प्लस तीन ही है, लेकिन तत्व तो कुछ विशेष परिस्थितियों में जब अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा करना चाहते हैं उनकी आक्सीकरण संख्या प्लस दो भी होती है और प्लस चार भी होती है। दो आक्सीकरण संख्या और भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि एक तत्व का नाम बताओ जो मैंने सुना है जिसकी आक्सीकरण संख्या प्लस चार होती है, सीरियम। चार वाले का क्वेश्चन आया एक बार, तो अगर याद रखना चाहोगे, बाकी कोई खास नहीं, एक बिल्कुल छोटा सा शब्द है सीरियम। उसका परमाणु क्रमांक कितना, 58, 58। ये आक्सीकरण संख्या चार को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी जैसे रह गया कि अभी चार और दो को रिप्रेजेंट कौन से करते हैं, तो रुको दो मिनट, क्वेश्चन लिखवाएंगे तो हम इनको कंप्लीट करवा देंगे इन चीजों को। लेकिन सीरियम वाला पूछा गया है कि किसी एक तत्व का नाम बताइए या एक तत्व के नाम और प्रतीक लिखिए जिनकी आक्सीकरण संख्या प्लस चार होती है, प्लस तीन नहीं होती। भैया चार वाले का कहेगा तो सीरियम 58 आ जाएगा। कभी सर जी और भी कोई एलिमेंट होता है, बेटा लिखेंगे, दो मिनट रुक जाओ। ये आक्सीकरण संख्या पर रिलेटेड जो बात थी मैंने वो आपको बता दी। इसके बाद आता है लैंथेनाइड तत्वों के आयनों के रंग, आयनों के रंग। वैसे तो इन बातों पर आपको पहले से ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। देखो मैं पूछता हूं, शायद आप लोगों को पुरानी बातें याद हो। बेटा अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए या किसी तत्व के आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, अयुग्मित का मतलब जिनका जोड़ा रंगीन आयन होगा कि रंगहीन होगा, रंगीन। यार ये तो पता है तुम लोगों को। अगर आप किसी भी तत्व के आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, तो बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने की दशा में उस आयन का कलर अगर कोई पूछता है तो वो होता है रंगहीन। जैसे कोई पूछेगा F0 का कलर है ही नहीं, है कोनो मतलब ही मत रखो, रंगहीन। पूछता है F14 का कलर, तो 14 का कलर पूछेगा तो बेटा ब्रैकेट सात बनेंगे, कक्षक सात बनेंगे, ऑर्बिटर सात बनेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने, 14, डबल डबल भर दोगे, और डबल भर दिया तो समझ लो क्या कलर कोई होगा, बिल्कुल कलर नहीं होगा। तो हम इस बात को देखो लिखेंगे कुछ, कैसे लिखेंगे, जिन आयनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब समझ पाए ना, जिनका जोड़ा नहीं बना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन बेटा कैसे होते हैं, रंगीन। और कोई पूछेगा इनका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। तो एक और बात याद रखेंगे, जो रंगीन है वो पक्का अनुचुंबकीय है, क्योंकि दोनों की ही गुणों की पहचान, चाहे वो अनुचुंबकत्व की पहचान हो या वो रंगीन आयन बनाने की पहचान हो, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ही होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही होती है। अंडरलाइन मैंने कर दिया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट नंबर मुझे ऐसा लगा। एक और चीज, जिन आयनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो भैया होते भी नहीं तो हमारा क्या बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा हम गुणों में परिवर्तन कर देंगे, वो जो आयन होंगे वो होंगे रंगहीन, और रंगहीन में भी। और पूछेगा अगर मैग्नेटिक नेचर इसका क्या है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर है प्रति चुंबकीय। हाँ, कभी कभी ये भी बता पूछ लेगा, अगर छोटे ऑप्शन बोले प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, जीरो। कहता अनुचुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, यह किसी को नहीं पता है। हां, इतना बस मुझे पता है कि जीरो नहीं होता है। कोई सर तुमको भी नहीं पता, हां भैया नहीं पता, रीजन है अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होगा तो फिर चुंबकीय आघूर्ण कुछ दूसरा होगा, कैलकुलेशन के थ्रू निकालेंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर दो हो गए
तो चुंबकीय आघूर्ण कुछ दूसरा हो जाएगा, तीन पर और बदल जाएगा, चार पर बदल जाएगा, पांच, तो ये अग्नि इलेक्ट्रॉनों पर ये बदलता रहता है। तो मैं ऐसे कौन सा बता दूं आपको, पूछता है कौन से सूत्र से निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण, ध्यान रखना अंडर रूट एन एन प्लस टू, याद है ये फॉर्मूला वो संक्रमण श्रेणी वाले पे लिखा गया था, यहां भी वही अप्लाई होगा, यहां नहीं अपने आवर्त सारणी में रखे 118 तत्वों में सब में यही अप्लाई होगा। अगर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हो तो यही फॉर्मूला अप्लाई करते रहो, एन की वैल्यू रखो और निकालते जाओ। ये सूत्र काहे का होता है, चुंबकीय आघूर्ण बराबर रूट ऑफ, अच्छा मात्रक क्या होता है, बी एम। खूब हंस रहे थे, हमने कहा था बोहर मैग्नेटॉन आए तो भैया ऐसा आप इसको लिख लोगे। हाँ एक यार और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर एफ में क्या लिखें, एन या 14 माइनस एन इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के आयनों का रंग एक समान होता है। इस नंबर को हमको थोड़ा समझाना भी होगा, कहता है अगर किसी भी तत्व के 4f में इलेक्ट्रॉन n है या 14 माइनस n है, उन दोनों ही तत्वों के आयनों का जो रंग होगा वो कैसा होगा एक समान। कहोगे सर ये सब बात समझ में नहीं आ रही, अभी समझ में आएगा। n का मान 0 रख दो, अर्थात 4f में जब 0 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4f में जब n का मान, यहां भी 0 रख दो यार, तो 0 घटाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 14, इनका और इनका रंग कैसा होगा सेम। और याद करो अभी 2 मिनट पहले मैं बता रहा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो ये भी रंगहीन है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल भरा हुआ है ये भी रंगहीन है। अब कहता है सर जी एक बात और याद रख लो कि अगर आपने n की वैल्यू 1 रख ली, सोचो यहां कितना हो जाएगा 13 नहीं हो जाएगा, क्यों 14 में n की वैल्यू 1 को घटाओगे 13 आएगा। तो अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में f में 1 हो और मैं दूसरे तत्व के n का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं f में 13 हो, आप बताओगे दोनों के रंग एक समान होंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा, चार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा। देखो कैसे मैं क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूं, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये बोर्ड परीक्षा में आया है नहीं आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन आपके लिए, देखो कैसे आता है। 4f में लिखा होगा 3, 4f में लिखा होगा 9 और 4f में लिखा होगा 7 और 4f में लिखा होगा 11, ऐसा लिख के आएगा। कहता है निम्न में से चार तत्व तो आपको दिए गए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, चार दे दिए गए, इनमें से कौन से दो तत्वों के आयनों का रंग समान होगा। तो कहोगे सर जी एक काम कर लेते हैं ये योगफल वाला निकाल लेते हैं, एक था तो दूसरा 13 होना चाहिए था तब रंग बराबर होता, यहां अगर मैं एन का मान कितना रेख देखता 2 तो यहां कितना होना चाहिए था 14 में 2 गया 12। उसी प्रकार से देखो जरा इनमें से कौन से दो आयनों का रंग बराबर चाहिए, ये ए है ये बी है ये सी है और वो लास्ट वाला डी है, किस ए और डी का, बिकॉज ऑफ एन की वैल्यू अगर ये रिप्रेजेंट कर रही तो वो वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही एन 14 माइनस एन को, या ये एन को रिप्रेजेंट कर देगी तो ये 14 माइनस एन को रिप्रेजेंट करेगी। तो क्या ये वाली लाइन का अर्थ समझ पा रहे हो, उन आयनों के रंग एक समान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करने की झंझट नहीं आपको मिलेगा, टोटली इलेक्ट्रॉनिक आपको नहीं कुछ भी करना है, आपको तो बस केवल और केवल पहचान कर दी है और वो पहचान जो होगी उसका आप नियम जानते हैं अच्छी तरह से। अब थोड़ा सा भी ध्यान दे लेना,
क्रियाशीलता रिएक्टिविटी पर बात करेंगे। लैंथेनाइड तत्व रिएक्शन कैसे करते हैं, तो लैंथेनाइड तत्व के रिएक्शन को ऐसे समझो भैया, एक इधर की तरफ पेटी बना ली है इधर कोई किनारे, उस पर पढ़ेंगे अभिक्रिया करने का तरीका और लिखेंगे इधर। देखो पहला स्टार और अभिक्रिया का तरीका। लैंथेनाइड तत्व की ऑक्सीकरण संख्या किसी को याद है कितनी होती है? कहोगे सर चार भी होती है, हाँ चार होती है, लेकिन प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तीन, कहीं लिखा होगा। और प्रमुख पर ही बात करेंगे, उल्टे सीधे पर बात भी नहीं करेंगे क्योंकि वहां का पूछा भी नहीं गया है कभी। अगर बेटा ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? दो। जानते हो लैंथेनाइड अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले, लैंथेनाइड एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ले तो जानते हो दोनों के बीच में कौन सा पदार्थ बनेगा? भैया एलएन के साथ रख दो इसको और ओ के साथ रख दो इसको, फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा LN2O3। ये लैंथेनाइड का ऑक्साइड होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक। कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, सर जी एक बार बता दो अगर ऑक्सीकरण संख्या प्लस दो होगी तो क्या बात काम होगा? देख लो इसको, अगर ऑक्सीकरण संख्या लैंथेनाइड की प्लस टू होती तो एलएन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस टू और ऑक्सीजन की भी ऑक्सीकरण संख्या प्लस टू, दो दो को कैंसिल कर लेता। एलएन का मल्टीप्लाई एक से होता, ऑक्सीजन का भी मल्टीप्लाई एक से होता और फॉर्मूला बन जाता LNO। लेकिन यह तब होता जब लैंथेनाइड एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होती। कहते सर जी एक काम और कर दो, प्लस फोर वाला भी बता दो। भैया बता देंगे, चार होता इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता? दो। इसको काटे दो एक कम दो, दो दूना चार, रेशियो निकालो इसको, अनुपात बनाओ LNO2। लेकिन मुझे मैंने क्या बताया कि आपको केवल प्रमुख ऑक्सीकरण संख्या पर डीलिंग करनी है, तो क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन जान पाओगे? ये लैंथेनाइड का क्या होगा? ऑक्साइड। आगे एक और नंबर पे चलते हैं। कहता सर जी हमको ये पता है लैंथेनम की ऑक्सीकरण संख्या लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस तीन होती है, अगर हम इसकी अभिक्रिया करवा दें हाइड्रोक्साइड से, क्या किसी व्यक्ति को यह पता है हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? वन। प्लस वन की माइनस वन? माइनस वन। माइनस वन इसलिए भी, देखा होगा तुमने OH पर एक ऋण आवेश बना होता है, हाँ वन है वो भी माइनस का। ऑक्सीकरण संख्या में तिरछा गुणा करवाओगे तो LN पर मल्टीप्लाई किसका होगा? एक का, और OH पर किसका होगा? तीन का। मतलब लैंथेनाइड एलिमेंट्स अगर OH, अब OH का होगा सर जी OH से अभिक्रिया करेगा? बिल्कुल भी नहीं, OH से अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करेंगे ये जल से और जल में होगा OH। बस इतनी बात देखो, हमें तो ज्यादा समझ में आ नहीं रहा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर H पर प्लस आया और OH पर माइनस आया, LN के साथ कितने OH होने चाहिए? एक दो या तीन? तीन। LN OH का होल थ्रू। तो यार ये भी तो बताओ, ये हाइड्रोजन तो बची रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन बना लेगा हाइड्रोजन की गैस को। बैलेंस करना है तो भैया एक काम कर लो, LN को OH का होल थ्राइज है, देखो 2 6 2, तीन दूना छह, हाइड्रोजन बेटा बैलेंस है। अब ना बैलेंस करना चाहो तो कोई जबरदस्ती थी नहीं कि इसको बैलेंस करके ही दिखाते तो ही हमें गोल्ड मेडल मिलता, ऐसे भी मिल जाएगा अगर आप लिख करके केवल आ जाओगे। समझ रहे हो कि पता लगा कि अभिक्रिया लिख ली थी, बैलेंस नहीं हो रही थी, इसलिए अपने एग्जाम में 10 मिनट का समय बर्बाद कर रहे हैं। कुछ भी फर्क नहीं, मत बैलेंस करो, समय लेकिन बर्बाद ना होना चाहिए उस समय। एक और कि लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण संख्या तो होती है तीन या प्लस तीन, अगर ये हैलोजन तत्वों से अभिक्रिया करता है, हैलोजन का मतलब जानते हो FClBrO और IC, तो ये क्या फॉर्मूला बनाकर तैयार करेगा? तो X की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 1, मल्टीप्लाई करवाओगे तो LN की ऑक्सीकरण संख्या X2 हैलोजन एलिमेंट से होगी, तो होगा LN का मल्टीप्लाई 1 पे और X का मल्टीप्लाई 3 पे। हाँ अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं, अच्छा अभिक्रिया तो ये भी बैलेंस नहीं थी,
चार। ऑक्सीकरण संख्या में ये भी बैलेंस अभी नहीं है, तो इसमें एक काम करो, x2 x3 है, 3 की तरफ मल्टीप्लाई करो 2 का, 2 की तरफ मल्टीप्लाई करो 3 का, 2 यहां कर लो, हाँ अभिक्रिया ये बैलेंस हो गए। तो एक काम, ये अभिक्रियाएं हो गई, अब कोई भी तत्व लैंथेनाइड का मिल जाएगा, जैसे कोई कहेगा लैंथेनाइड में एक तत्व प्रोमीथियम था सर, उसकी अभिक्रिया करवाओ, बेटा कुछ भी नहीं करना है, प्रोमीथियम यहां रख देना PM2O3, कहेगा सर ल्यूटीशियम का अभिक्रिया नहीं करवाया Lu2O3, कहेगा सर जी सीरियम का करवा दे CeOH का होल थ्राइस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको अभिक्रिया, तो केवल इनसे मतलब रखना है। ये तरीका जानता है कैसे करवाया जा रहा है, एक काम करो इसको नोट करो, कुछ क्वेश्चन है ठीक ठाक अच्छे छाट कर रखे हुए मैंने, इनको नोट करते हैं फिर उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग में देखो क्या लिखा है, कहता है लैंथेनाइड की मिश्र धातु को, एक तो ये याद रखो लैंथेनाइड श्रेणी के धातुओं की अगर मिश्र धातु बनाई जाए उसको मिश्र धातु भी कहते हैं। हाँ ऐसा मत सोच लेना कि प्रिंटिंग में क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी आ गई है और मिश्र धातु लिखा होने देना, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की जब भी मिश्र धातु बनाई जाती है उसको मिश्र धातु भी कहते हैं, कहता है जिनका प्रयोग अपचायक के रूप में करते हैं, ज्यादातर मिश्र धातुओं को बनाते समय या ज्यादातर मिश्र धातुओं को बनाते समय एक पैमाना याद रखा जाता है कि उसमें लैंथेनाइड तत्व कितने परसेंट होना चाहिए, 95, Fe कितने परसेंट होना चाहिए, 5। कहता है कार्बन सल्फर कार्बन कैल्शियम एल्यूमिनियम की मात्रा बाकी होनी चाहिए, आपको सर अभी भी रह गया है क्या, 95% ये 5% ये हो गया, तो अब 100% तो ऐसे ही हो गया, अब इनकी मात्रा कहां से मिला दोगे, तो बेटा 95% ये और Fe की मात्रा 4.9 ऐसा कुछ परसेंट होती है, अर्थात लगभग 5%, और वो जो थोड़ा सा वैल्यू बचती है 9 के बाद वाली 0.01 वाली परसेंट वाली, उस वैल्यू पर ये एलिमेंट यूज किए जाते हैं। आगे लिखा है कहता है इसका प्रयोग कहां करते, तो मैंने बहुत सारे उपयोग थे, बहुत रिड्यूस करके कम उपयोग लिखे हैं, जैसे बंदूक की गोली बनाई जाती है, कवच बनाए जाते हैं इससे, अब ये ना कहते हैं बंदूक की गोली कौन सी, उत्प्रेरक के प्रयोग में, उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं, वैसे भी जो तत्व अपनी ऑक्सीकरण संख्या में बदलाव कर सकते हैं, देखो ऑक्सीकरण संख्या वैसे तो मेनली 3 थी लेकिन ये 2 भी रखते थे और 4, तो ऑक्सीकरण संख्या में जो एलिमेंट बदलाव कर सकता है उत्प्रेरक का काम करेगा, जो एलिमेंट ऑक्सीकरण संख्या में चेंज नहीं कर पाता है वो उत्प्रेरक का भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि उत्प्रेरक बनने के लिए एक योग्यता जरूरी है, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कर पाना। अगला नंबर लिखा हुआ है कहता है सीरियम का जो फॉस्फेट लवण होता है, हम इस लवण का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम के भंजन में किया जाता है, इसका पेट्रोलियम का भंजन जानते हो, पेट्रोलियम का भंजक भैया जो हम लोगों को वास्तव में पेट्रोलियम मिलता है, जिसकी ये बात कह रहा है, ये कच्चे तेल की बात कर रहा है, कुओं से खुदाई पर कच्चा तेल मिलता है, उस कच्चे तेल को लाकर जैसे अपने यहां एक फैक्ट्री है यहां मथुरा में उसको ये मथुरा और भी जगहों पर फैक्ट्रियां हैं, मथुरा पे भी एक फैक्ट्री है, वहां पे कच्चे तेल को लाकर पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, केरोसिन मिट्टी का तेल अलग किया जाता है, नेफ्था अलग किया जाता है, डामर जो रोड में बिछाते हैं इसको अलग करते हैं, और पिच भी कहते हैं इसको, और भी क्या देखो मैं बता, हाँ लुब्रिकेंट्स ऑयल अलग बनाए जाते हैं, ये सिलाई मशीन में तेल डालने वाला वैसलीन वगैरह उसी से बनाई जाती है, और क्या क्या तुमको बताएं, ना जाने क्या क्या चीजें उससे बनाई जाती, मोम उसी से बनाई जाती है, अर्थात आप उस कच्चे तेल से ना जाने कितने पदार्थों को भंजक आसवन क्रिया के द्वारा अलग अलग इकट्ठा करते हो, तो भंजक आसवन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आप उस कच्चे तेल से ये सारे पदार्थ अलग अलग बनाकर तैयार करते हो, सबके अलग अलग यूज भी हैं। कोई कहेगा सर वैसलीन तो गलत बोल रहे हो, बेटा वैसलीन की डिब्बी लाना, उसमें लास्ट में देखना पीछे छपट के देखना कहीं लिखा होगा पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम लिखा होगा देखना, और नहीं लिखा है तो फिर वो पेट्रोलियम से नहीं बनाया गया, ठीक है।
अगला नंबर लिखा है, कहता है सीरियम ताप व अल्ट्रावायलेट रेस को पराबैंगनी प्रकाश किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, एक ये गुण होता है। नोट में मैंने क्या लिखा है, मैं जो बता रहा था क्वेश्चन लिखा देंगे, लेकिन क्वेश्चन है ऐसा ध्यान रखो, लैंथेनाइड श्रेणी में प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था किनकी होती है, आपके सामने लिखे, लैंथेनाइड श्रेणी में प्लस फोर ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है वो आपके सामने लिखे। वैसे तो मेनली प्लस थ्री होती है, लेकिन प्लस टू और प्लस फोर वाले के अगर नाम भी पूछता है क्या है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, एक्टिनाइड श्रेणी जो बचती है उसको पढ़ते हैं कल से फिर।